Namaskar hello and welcome viewers you're watching sambad with your host kriti mishra and joining us today is a very special guest deputy chairman of rajya sabha harivansh Jai. deputy chairman of rajya sabha harivansh is a renowned journalist avid reader serious thinker and a prolific writer born on 30th of june 1956 in sitadhyara village of balia district in uttar pradesh Harivansh completed his middle and high school education from his village and went to BHU for higher studies in economics. He also completed the course on journalism from BHU. Inspired by Jay Prakash, he was associated with the JP movement. In about 4 decades of his career as a journalist, he has written candidly on social, political, cultural and economic issues concerning the common man. He was additional information advisor to then prime minister Chandrashekhar. He was elected to Rajya Sabha in 2014. In 2018, first time member parliament, Harivansh was elected as deputy chairman. He was re elected to Rajya Sabha in 2020 and was elected again as deputy chairman for the second time. So, welcome to Sunset TV and thank you so much for joining be. us. So, we've a been lot. understanding parliamentary procedures and conventions from you. So, today the focus is on Question Hour and I would request you to elucidate the importance of Question Hour. So, recently, Chairman of Rajya Sabha, Sri Jagdeep Dhankarji, said a very important thing in the House that Question Hour is the heart of parliamentary democracy. Before we talk about Question Hour, let's listen in to what the Chairman said. Question Hour is the heart of parliamentary working. सी इन योर व्यू हाउ डू सी दि सिग्निफिकेसी माननीय चेयरमैन लगातार चेयरमैन बनने के बाद क्वेश्चन और पूरे संवैधानिक प्रक्रिया में उसके महत्व को बताते रहे सांसदों को आप जानती हैं अगर मैं लोकभाषा में कहूं तो इट्स ऑटोमिक वीपन फॉरम मेंबर नंबर दो कि पूरी ब्यूरोक्रेसी को अंकुश में रखने का माध्यम थर्ड पूरे सरकार को जवाबदेह बनाने का माध्यम फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि लोगों के हित में लोक कल्याण में काम कराने का सबसे इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट प्रश्नकाल है इसीलिए आपने देखा कि संविधान में संविधान की धारा 75 अनुच्छेद अनुच्छेद 3 के तहत पार्लियामेंट के प्रति यानी हाउस ऑफ पीपुल के प्रति आपकी कार्यपालिका जवाबदेह है इस तरह से सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है जवाब जवाबदेह है लेजिस्लेचर के प्रति तो वो जवाबदेही वो अकाउंटेबिलिटी तय करने का सबसे इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन माय व्यू इस क्वेश्चन और सो हमारे बिल्कुल सही ढंग से चेयरमैन बार बार इन्फोसाइज करते हैं उसके महत्व को बताते रहें बल्कि मैं और आपको बताऊं कि इसके महत्व को सारे सांसद भी जानते हैं उनके लिए कितना यह महत्वपूर्ण माध्यम है शायद 1997 में जब आज़ादी के 50 वर्ष पूरे हुए तो हमारी संसद का एक विशेष सत्र हुआ उस सत्र में प्रस्ताव एक पास हुआ उस विशेष सत्र में आज़ादी की स्वर्ण जयंती पर आयोजित विशेष सत्र में उसमें दो चीजें थी कि संसद की मर्यादा हम सांसद बनाए रखेंगे और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था उस प्रस्ताव का जो दोनों सदनों में पास हुआ वह यह था कि हम किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर को चलाएंगे यानी उसकी इनवेलिबिलिटी शब्द का वहां पर इस्तेमाल है यानी उसको बाधित नहीं करेंगे यह उसका लोक अर्थ है तो क्वेश्चन आवर के महत्व को हमारे सांसद भी जानते हैं आजादी के पचास वर्ष के बाद जो हमारे यहां रिजोल्यूशन पास हुआ संसद का उसमें इस चीज को महत्व मिला इसलिए इसके महत्व को अगर ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो और बहुत सारी चीजें इसमें हैं जिसने यह टाइम एंड अगेन इट हैज कि कैसे सरकार को विधायिका अंकुश में रख सकती है बिल्कुल सर जैसा कि आपने कहा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात है जो लेजिस्लेचर है एग्जीक्यूटिव पर लेकिन सर एक और बड़ी चिंता है डिस्ट्रप्शन की हमने देखा कि इसके पहले 11 से 12 बजे क्वेश्चन आर होता था राज्यसभा में उसको बदल कर बारह से एक किया गया ताकि डिस्ट्रप्शन्स ना हो सर ऑफलेट भी हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रप्शंस होते हैं तो किस तरह से एक रास्ता बनाया जा सकता है ताकि क्वेश्चन आर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक हार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो सुचारू रूप से चल सके इनफैक्ट समय सिर्फ परिवर्तित कर देने से मुझे लगता है कि इसका कोई हल निकलने वाला नहीं समय परिवर्तित हुआ मानी हमीद अंसारी जी जब हमारे चेयरमैन थे आप देखें किस तरह से संसद में प्रश्न पूछने का अधिकार भी भारत में हमारे प्रतिनिधियों को मिला इसकी एक लंबी कहानी है लंबे समय जब अंग्रेज यहाँ शासन करते थे तब उस वक्त इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसे भारत के बारे में कुछ पूछा जा सके इसकी शुरुआत हुई और एक लंबे समय बाद आई थिंक कि 1861 में यह अधिकार मिला 1891 के आसपास प्रोविजन हुआ कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं फिर उसके बाद स्टार्ट क्वेश्चन पूछने का तो बहुत बाद में प्रक्रिया आई 1952 से लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्न पूछा जाने लगा लेकिन तब राज्यसभा में रोज प्रश्न नहीं पूछा जाता था सप्ताह में दो बार पूछा जाता था फिर बाद में चार बार हुआ सिक्सटी ऑनवर्ड्स इसके महत्व को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा में रोज प्रश्न पूछे जाने लगे उसके बाद इसके समय का परिवर्तन हुआ क्योंकि तब तक डिसरप्शन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का एक हिस्सा दिखाई देने लगा था जिससे लगा कि इसके महत्व को बनाए रखने के लिए समय अगर परिवर्तित करें तो शायद इसके महत्व को लोग समझें और पर वो हुआ नहीं मुझे लगता है कि सांसदों को अंततः अपनी जिम्मेदारी का जब तक एहसास नहीं होगा कि मेरा काम है पार्लियामेंट में आने के बाद सरकार को अंकुश में रखना मंत्रियों को रखना ब्यूरोक्रेसी को रखना सरकार की नीतियों पर लोगों का क्या असर पड़ रहा है वो कितनी प्रोपिपुल हैं या नहीं ये इंश्योर करने का काम ये सांसदों का मूल रूप से धर्म है जब तक वे अपनी इस फर्ज को नहीं समझेंगे तब तक सिर्फ समय परिवर्तन के कारण वे अपनी इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा पाएंगे इसमें मुझे आई हैव लिमिटेशंस टू अंडरस्टैंड सर कॉन्डक्ट को लेकर और जब डिस्ट्रप्शन हमने देखे चाहे क्वेश्चन आर में या फिर अदरवाइज चेयरमैन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहा है दैट वी हैव टू एग्जैम्प्लीफाई आर कॉन्डक्ट फॉर एमिलेशन फॉर अदर थिएटर्स ऑफ लेजिस्लेशन इन द कंट्री बिकॉज राज्यसभा इज द हाइस्ट थिएटर ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया सर आगे उसका क्या रास्ता देखते हैं निश्चित रूप से संसद में टिकट्स और आपका कामकाज का तौर तरीका क्या हो इसके लिए संसद में रूल्स हैं प्रोविजन है, है आपसे ए टिकट की अपेक्षा की गई है अगर संसद में श्रेष्ठ बहस आप चाहते हैं तो बहस हंगामे के बीच संभव नहीं है भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी प्रकाश वीर शास्त्री लाल कृष्ण आडवाणी चंद्रशेखर ज्योतिर्मय बसु पीलू मोदी ये सब क्यों याद किए जाते हैं अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए पर क्वेश्चन पूछने के लिए एक और काम करना पड़ता है सांसदों को जो मैंने एक सांसद के रूप में महसूस किया हमें अपनी तैयारी बहुत परफेक्शन के साथ करनी पड़ती है अगर हमारी तैयारी परफेक्शन के साथ नहीं रही तो हम अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप जानती हैं कि जब संसद का सत्र होता है तो एक निर्धारित समय उसके पहले क्वेश्चंस मांगे जाते हैं जिन विषयों पर हम पूछना चाहते हैं उन विषयों पर हमें अगर अच्छी तरह हमारी खुद की तैयारी नहीं हमारा होमवर्क नहीं हमारी स्टडी नहीं तो हम सवाल पूछ नहीं सकते अगर हम ऐसे सवाल पूछते हैं और मौका मिलता है तब सरकार को हम घेर सकते हैं तब मंत्री को हम ग्रिल कर सकते हैं तब ब्यूरोक्रेसी को हम नियंत्रण में रख सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये तैयारी अब हमारे विधायिका के लोगों को और अच्छी तरह होमवर्क करना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि संसद सत्र में अच्छी तरह आपके सवालों का सरकार की नीतियों पर असर पड़े क्योंकि आप जानती हैं सवालों को तैयार करने में कितना ज्यादा लेबर लगता है तो पूरे सिस्टम की ब्यूरोक्रेसी में टॉप टू बॉटम कितना समय वे स्पेंड करते हैं और एक सवाल में कोई एक तथ्य गलत हो गया तो मंत्री की क्या जिम्मेदारी बनती है नीचे ब्यूरोक्रेसी की क्या जिम्मेदारी बनती है तो क्वेश्चन आवर न चले तो सबसे अधिक लाभ तो सरकार को होता है मंत्रियों को होता है तो क्या हम सांसद के रूप में हमारा जो मूल फर्ज है कि सरकार को हम अकाउंटेबल बनाएं संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद कैसे संसद के प्रति जवाबदेह है हाउस ऑफ पीपुल के प्रति जवाबदेह है सामूहिक रूप से यह मैंने संविधान की धारा का उल्लेख किया आपको तो हम ये अगर सांसद करना नहीं चाहते हैं ये किए बगैर हम संसद सत्र में प्रश्नकाल को चलने ही न दें तो हमारी भूमिका लोकहित में क्या होगी ये खुद जनता को तय करना चाहिए मैं आपको दूसरा उसका उपयोग करता हूँ शायद के आसपास की बात है सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी हमारे खाड़ी देशों में आमतौर से भारतीय लेबर जो जाते हैं उनको लेकर उनके डिटेंशन की या उनके साथ मिसट्रीटमेंट की बहुत सारी घटनाएं आती हैं हमारे बहुत सारे सांसद उससे बहुत एजिटेटेड थे उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया एक एक सवाल का जिस परफेक्शन से माननीय सुषमा जी ने जवाब दिया सारे सांसद इस रूप में संतुष्ट हुए कि बाद में जहां तक मुझे याद है आप आरजेडी और कई दल के लोगों ने कहा कि अब हमारे पास सप्लीमेंट्री पूछने के लिए नहीं है जो भी चेयर कर रहे थे उन्हें कहना पड़ा कि थैंक्स के अलावा माननीय मंत्री के लिए कोई सवाल नहीं है कितना लाभ होता है लोगों को आप बताइए विदेश में अगर कोई आदमी उसके साथ मिसट्रीटमेंट हो रहा है डिटेंशन में है उसको राहत मिलती है आपके एक सवाल से सरकार की नीतियों पर असर पड़ता है कोविड के दौरान का मैं आपको उल्लेख करूं तौर से चार सेशन का आप याद करें सितंबर 2020 से अप्रैल 2022 तक का लगभग तेरह साढ़े तेरह सौ सवाल पूछे गए लोकसभा राज्यसभा दोनों में और क्वेश्चन और अच्छी तरह चले होंगे उन क्वेश्चंस के पूछने का असर कोविड के नियंत्रण में कितना पड़ा अगर इसका स्टडी हो तो पता चलेगा एक एक, एक अस्पताल में कहाँ दवाएं नहीं हैं कहाँ क्या परेशानी है किन नीतियों के कारण हमें क्या हो रहा है ये सारे सवाल पूछे गए और जिस तरह मंत्री तैयार होकर आते थे जवाब देने के लिए वो पीछे जाकर देखा जा सकता है तो सिर्फ ये कोविड का प्रसंग नहीं है सिर्फ भारतीयों के साथ विदेश में मिसट्रीटमेंट का प्रसंग नहीं है सिर्फ पॉलिटिकली कहीं कोई गलत काम अगर हो रहा है आपकी नज़र में तो उसको जैसे मैं टीटी कृष्णाचारी का प्रसंग उल्लेख किया वो नहीं है एक अगेल, अकेले मधुमेह के बारे में कहा जाता था पूरे स्कूटी को कैसे वो नियंत्रण में रखते हैं तो क्या हमारे यहां आप सरकार के कामकाज को अगर सचमुच ट्रांसमिट बनाने के लिए बेचैन हैं, तो आप इन चीजों को क्रिएटिव ढंग से आपको जो संविधान ने अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते ये सवाल हर एक सांसद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए इसलिए हमारे माननीय चेयरमैन श्री जगदीप धनखड़ जी बार बार क्वेश्चन और से लेकर बाकी भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस की इंपॉर्टेंस को हर बार एक्सप्लेन करते हैं ताकि कम से कम हम अपने अपनी ड्यूटीज हमें जो जनता और संसद ने अधिकार दिया है और इस संसद ने जो हमें अधिकार दिया उसका इस्तेमाल तो उनके पक्ष में करें बिल्कुल सर आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कही लेकिन सर ओवर द इयर्स आपको क्या लगता है क्योंकि आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत करीब से देखा है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ एज एन चेंज वो टूल कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आर मैंने बताया कि किस तरह से पॉलिसी चेंज से लेकर मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए सिंस 1952 जब फिरोज गांधी ने सवाल उठाने शुरू किए उसके बाद से मैंने एक एक प्रश्न बताया चंद्रशेखर थे कई सवाल उन्होंने पूछे अपनी ही पार्टी के बड़े ताकतवर मंत्रियों से उन्होंने अपनी आत्मकथा में उसका उल्लेख किया किस तरह सरकार को झुकना पड़ता था नीतियों में परिवर्तन हुआ मुरारजी देसाई उन दिनों केंद्र में वित्त मंत्री होते थे उनकी नीतियों पर सबसे प्रखर विरोध चंद्रशेखर ने किया था मधुले में जॉर्ज फर्नांडिस मधु दंडवते इनके सवालों से सरकार कितनी सजग रहती थी पूरी तैयारी के साथ लोग आते थे या पार्लियामेंट्री डिबेट्स पुराने निकाल करके देखिए क्योंकि पार्लियामेंट यूज टू बी प्रो पीपुल ऐसे लोगों ने इंस्योर किया कि सरकार हमेशा चौकस रहे मंत्री चौकस रहे ब्यूरोक्रेसी काम करे अच्छी तरह अगर सचमुच हम नियंत्रण चाहते हैं स्क्रिटिव पर तो विधायिका वी लेजिस्लेचर हैव टू प्ले आवर रोल इफेक्टिवली Not by creating chaos. Absolutely sir. sir. do you also think that over the years the nature of questions have changed? Uh, no, uh, in my view. मैं आपको बताऊं कि जैसा मैंने कहा कि हम अगर होमवर्क करके अच्छी तरह से नहीं आएंगे questions पूछने के पहले बिफोर पुटिंग और questions इन लॉटरी इफ we आर नॉट वेल prepared, और होमवर्क इज नॉट प्रॉपर तो हमारे क्वेश्चन कमजोर होंगे अगर हमारे क्वेश्चन मजबूत हैं तो फिर सरकार या मंत्रियों को जवाब देने की उसकी तैयारी करनी पड़ती सर आपने लॉटरी की बात कही सर हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए अगर हम ये समझ सकें कि क्या प्रक्रिया होती है सवाल पूछने की किस तरह से सरकार और सेक्रेटेरिएट की भूमिका होती है जब संसद सत्र बुलाया जाता है तो उसके पहले बाकायदे सांसदों को सूचना जाती है कि कब कब किस तारीख को किस दिन किस मंत्रालय का सवाल पूछा जाएगा आप जानते हैं बहुत साइंटिफिकली ये इंस्ट्रूमेंट डिवाइज है यानी किस दिन किस मंत्रालय का सवाल पूछा जाएगा ये बाकायदे ये प्लैंड वे में तय रहता है पहले से और जिस मंत्री का सवाल होता है इंक्लूडिंग माननीय प्रधानमंत्री जी उनको उस दिन उपस्थित रहना पड़ता है ये आपने देखा होगा तो हम सांसदों से अपेक्षा की जाती है कि हम अपने सवाल जिन विषयों पर हमें पूछना हो मान लीजिए कोल मंत्रालय विदेश मंत्रालय जहाँ हम लग हमें लगता है कि लोक महत्व के सवाल हैं और हमारी इसमें भूमिका है तो हम वो सवाल पूछते हैं पर सवाल पूछने के पहले मेरा जो निजी अनुभव रहा है कि हमें काफ़ी होमवर्क करने की ज़रूरत पड़ती है और मैं एक सांसद के रूप में करता था जैसे मुझे डिफेंस पर सवाल पूछना हुआ तो मैं बाकायदे देखता था कि पिछले दिनों क्या सरकार की नीतियां तय रही हैं किन नीतियों का पालन हुआ है नहीं हुआ है और शायद सभी लोग चाहे एनर्जी का हो कोल का हो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का हो हर मंत्रालय के सवाल को पूरी तैयारी के साथ आपको भेजना पड़ता है वहां जब सवाल पहुंचते हैं तो सवाल दो तरह के होते हैं स्टार्ट और अनस्टार्ट जो हमारे स्टार्ट सवाल हैं उनका उत्तर मिलता है तो वो उत्तर चुने जाते हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं तो एक घंटे के प्रश्नकाल में चुनिंदे सवालों का जवाब सरकार देती है अलग अलग दिन अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा वो जवाब आते हैं लॉटरी के सिस्टम से उन सवालों का चयन होता है मैं बताऊं एक बार जब मैं संसद में आया तो मेरा पहला सवाल आया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से पता चला कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें जवाब देंगे यानी उनके बिहार पर माननीय मंत्री जी जवाब देंगे हाँ माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन आए भी थे और हंगामा होने के कारण क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन आवर नहीं हुआ मुझे आज तक याद रहता है कि मुझे पूछने का जो मौका मिला वो नहीं मिला और हमें पता है कि हम सरकार को अकाउंटेबल बनाने के लिए क्वेश्चन आवर से ही अपनी लोक भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट इतना इफेक्टिव नहीं है हमें यह भी अधिकार प्राप्त है कि अगर सरकार के जवाब से माननीय मंत्रियों के जवाब से हम असंतुष्ट हैं हम उसको इनडिक्विट मानते हैं देन देर इज अदर इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड टू अस कि हम इसका इस्तेमाल करके किस इस तरह हाफ एन आवर डिस्कशन की ओर माननीय चेयरमैन के परमिशन से जा सकते हैं और ऐसे अनेक क्वेश्चन इस संसद में पूछे गए सिंस नाइनटीन फिफ्टी टू अगर अभी भी अच्छी तरह चले तो हाल हाल तक पूछे गए जिसमें हाफ एन आवर डिस्कशन भी हुए हैं और उन डिस्कशन से सरकार और उस विभाग के नीतियों पर मंत्री पर आप उनकी भूमिका का तय करते हैं उनको अकाउंटेबल बनाते हैं और पुराने इतिहास में जाए तो उसे कई मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है जो मैंने आपको बताया बिल्कुल सर और बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन सर यून में then this is the 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 second term as deputy chairman of Rajya Sabha. So what are the changes that you see in the house and particularly focusing on the question चेयरमैन ऑफ talk about that. आर late एंडलीट uh, hours के महत्व को और हमारे members अधिक समझें मैं यही wish करता हूँ मैं जब सदस्य के रूप में आया तो मैं कह सकता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी से मैं तैयार करके जाता था और बहुतों को देखा जो बड़ी तैयारी के साथ आते थे पर यह प्रवृत्ति कि हम क्वेश्चन और कोई न चलने दें ये मुझे लगता है कि हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे घातक है और इसके महत्व को सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि जो प्रवृत्ति बढ़ चली है इसका क्या अर्थ होगा इफ यू अलाउ मी आई विल कोट हिज प्लीज सर ही टोल्ड अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऑफ लेट आई एम गेटिंग ए फीलिंग दैट मेनी ऑफ आवर वेल कंसिव पार्लियामेंट्री डिवाइसेज आर कंसिडर्ड टू बी डिस्पेंसिबल लग्जरीज for our system. Devices like the question hour are seen by some sections in parliament and legislatures to be totally avoidable democratic extravagance. <clears throat> it was thoughtfully introduced into the constitution. It's a remarkable thing which he has mentioned. Late Somnath Chatterjee has told that it was thoughtfully introduced into the constitution and the parliamentary practice and procedures. एज एन इम्पॉटेंट मैकेनिज्म टू होल्ड द एक्सक्यूटिव अकाउंटेबल टू पीपुल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव यानी जनता के प्रतिनिधियों पर लोगों ने इसलिए विश्वास व्यक्त किया इसलिए भेजा है यहाँ पर इस मूल दायित्व और धर्म के साथ भेजा है कि उस सरकार को नियंत्रण में रखें एक्सक्टिव को नियंत्रण में रखें अपने वो मूल धर्म और काम को भूल रहे तो हम अगर सजग नहीं होंगे क्वेश्चन और के बारे में और यही डिस्कशन हमारा बना रहा तो एक सवाल लोग और पूछेंगे कृत्य जी कि आजादी के 50 वर्षों के बाद इस संसद ने रेजोल्यूशन लिया था कि हम क्वेश्चन आवर को क्वेश्चन आवर को इनवेलेबुल मानते हैं हम उसी को रोज अपने दिए हुए वचन को तोड़ते हैं तो लोकतंत्र में लोक आस्था का सबसे बड़ा मंदिर तो पार्लियामेंट है अगर पार्लियामेंट ही अपने किए गए वायदों पर अपने किए गए संकल्प पर अपने निश्चय पर वापस लौट जाए तो फिर हमारे प्रति लोगों की लोक आस्था क्या रहेगी ये सवाल हर सांसद को खुद से पूछना चाहिए बिल्कुल सर आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थॉट रखी सामने इंट्रोस्पेक्शन के लिए लेकिन सर आपने हमसे बात की रेलिवेंस इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस और आगे क्या रास्ता हो सकता है सर बहुत बहुत धन्यवाद सनसद टी से बात करने की थैंक यू वेल व्यूअर्स ऑल बी हैप दिसन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टेट्यू टू सनसट टी गुड बाय फना फ्रॉम माई साइड नमस्कार